जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग, सुबह तो क्या अभी दोपहर होने लगी है, तो 12:30 के आसपास हो गया टाइम। अभी हम हैं दिल्ली में, तो एक सडन प्लान बना दिल्ली आने का। मैं अभी भाई, पूजा भाभी है और साथ में देखिए हमारा गाइड मुन्ना। अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट इंडिया गेट, तो फिर वहाँ से हम निकलेंगे अक्षरधाम के लिए। भी आज थोड़ा बहुत घूमने का प्लान है, और एक हमारा कज़िन अक्षित द यूट्यूबर, अक्षित द यूट्यूबर, हम उसे सरप्राइज़ देंगे। उसे पता नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, उसने बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दी थी उसे। लेकिन जब उसे पता लगे कि मैं आया, तो हम उसका रिएक्शन भी आपको नोट करवाएंगे। हाँ, खुशी झूम उठेगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं इंडिया गेट, और ये हमारे ड्राइवर भाई। देखिए अभी चलते हैं हम। बस अभी 5 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल पे, फिर वहां से हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा, हमारे ड्राइवर साहब ने हमें काफ़ी नॉलेज की बातें बताई जो हमारे बहुत काम आएंगी आगे चल के। अभी चलते हैं थोड़ा सा समय और, फिर हम दिखाएंगे आपको इंडिया गेट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, जो कि है इंडिया गेट। अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन आप देख सकते हैं अभी आगे है। एक तो दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसका तो क्या ही कहना, आपको पता है पूरी फॉग ही फॉग हुई रखी है अभी। तो फिलहाल चलते हैं अब इंडिया गेट, और इसके बारे में कुछ एक फैक्ट्स जो हैं वो आपको बताएंगे। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एक स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं, और हमारे साथ जो आए हैं वो भी आगे चले। चलिए पूछते हैं इनसे कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। अभी भाई, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? किस में, कैब में जाने का? हाँ, कैब में ही बता दीजिए फिलहाल। तो कैब में तो भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, और ये हमारा गाइड उधर मुन्ना, और भाभी जी तो पहली बार आए हैं दिल्ली, पहली बार आए हैं इंडिया गेट। तो चलिए, खैर मुन्ना जी इधर आइए, ये हमारे गाइड हैं। अच्छा, इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? इंडिया गेट घूमेंगे, फिर इनको मेट्रो दिखा देते हैं दिल्ली आए तो। किन को? आप लोगों को? नहीं भाई, मैंने देखी हुई है, भाभी जी को। अच्छा, उसके बाद? और फिर उसके बाद अक्षरधाम। ठीक है, नहीं अभी हम इंडिया गेट के ठीक सामने खड़े हुए हैं, और अभी आपको दिखाएंगे। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है इंडिया गेट। तो इसकी थोड़ी सी आपको एक हिस्ट्री बता देते हैं। जो एडवर्ड लुटियंस थे, उन्होंने इसे बनाया था, मतलब वो वास्तुकार थे। और जो ब्रिटिश इंडिया में जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके नाम के जो अक्षर वहाँ पर उत्कीर्ण हुए हैं, उनके लिए स्मारक है, जो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर आप एक बार भीड़ देखिए, कितने लोग आए हैं घूमने के लिए, इससे आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लोग ही लोग आपको देखने के लिए मिले, सारे घूमने आए। स्कूल के बच्चे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं यहाँ पर। और ये स्मारक है शहीदों के लिए, काफ़ी खुला स्पेस है और काफ़ी सुंदर जगह है। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसको। और ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, काफ़ी सुंदर है। अभी हम इंडिया गेट, देखिए पीछे है हमारे इंडिया गेट के साथ में ये एक छोटा सा पार्क है, और यहाँ पर पीछे देखिए अभी भाई और भाभी जी खड़े हैं, और ये हमारा मुन्ना, मुन्ना इधर आओ। ये हमारे सिनेमेटिक्स बना रहा है, पता नहीं कैसे बनाएगा, लेकिन अच्छा बनाता है। अच्छा, तो मुन्ना से पूछते हैं अभी कि अभी हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मुन्ना बेटा, देखिए इग्नोर कर रहा है हमें, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। इतनी बार बता चुका हूँ, फिर भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं यहाँ। अरे भाई, अरे भैया, मैं पूछ रहा हूँ कि और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं हम। घूमने के लिए यहाँ पे इंडिया गेट अगर आप आए हैं, तो पास में एक NGM है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, उसमें बढ़िया बढ़िया
पेंटर्स की पेंटिंग है। हाँ मेरी भी होगी एक आधी एक कोने में। बढ़िया बोला मैंने। ये देखिए आप देख सकते हैं नाम उकेरे गए हैं और ये पूरी जो ब्लॉक्स हैं ये इन पे सभी पे नाम उन शहीदों के हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से लड़ते वक्त शहीद हो चुके हैं और काफ़ी एक अद्भुत कलाकारी है ये और क्या ही कहें, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसी चीज़ों को देख के। अपनी हिस्ट्री को हम रिकॉल करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप दिल्ली विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो इंडिया गेट मस्ट आपको आना चाहिए क्योंकि एक काफ़ी मतलब अच्छी जगह है और अपने इतिहास को जानने का एक थोड़ा सा मौका मिलता है आपको। पीछे इंडिया गेट आप देख रहे हैं और यहाँ पर अभी भाई द वीडियोग्राफर मुन्ना है और यहाँ भाभी जी हैं और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, ठंडी ठंडी हवाएं चली है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैठने का एरिया भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा गार्डन है। ये हम करते हैं अभी अक्षित तो हमें शाम को मिलेगा, तब तक हमें थोड़ा बहुत और टाइम पास करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 6 बजे के आसपास वो मिलेगा अक्षरधाम पे। तभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठ लेंगे और नियर बाय जो कुछ होगा देखने के लिए वहाँ पर जाएँगे और फिर उसके बाद अक्षित से मिलेंगे, उसको सरप्राइज़ भी तो देना है अभी। चलिए अभी हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच ही चुके हैं, मतलब अभी हमारे सामने एक मेट्रो चली गई लेकिन उसमें भीड़ थी, हम नहीं गए। नीचे मैं वीडियो बना रहा था, वो एक पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, क्या कि यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते हैं आप, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। हालांकि अभी भी रिसाइकिल बिन में होगी लेकिन चलिए अब क्यों ही उसको अपलोड करें, एथिक्स होते हैं अपने अपने। अभी यहाँ पर एक मेट्रो आएगी लेकिन तब तक आपको दिखा देते हैं मेट्रो चार्ट। और ये देखिए इस वक्त हम यहाँ पे हैं और इंद्रप्रस्थ और अक्षरधाम ये, और ये देखिए मेट्रो आ चुकी है गाइज यहाँ पे, लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे, हम आगे वाले मेट्रो पे जाएंगे। ये द्वारका को जा रही है। हाँ ये द्वारका को जा रही है गाइज। तो अभी हम अक्षरधाम पहुँच चुके हैं, यहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा जो मैं दिखाऊँगा क्योंकि काफ़ी पोल्यूशन भी कह सकते हैं और धुंध भी कह सकते हैं, लेकिन सामने मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अक्षरधाम है और ये देखिए आप पार्किंग देखिए, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पॉपुलर है ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। अंदर मोबाइल लेके नहीं जाने देते, मोबाइल हो गया घड़ी हो गया वो आपको बाहर जमा करानी पड़ती है, और वरना अंदर तो ब्यूटी तो इतनी है कि क्या ही बताएं। बाहर से भी आपको अच्छा लगता देखने में लेकिन अभी धुंध पड़ी है तो नहीं देख सकते आप। अभी क्या करते हैं, चलिए हम अंदर चलते हैं, हमारे साथ ही आगे निकल गए। अभी हम जा रहे हैं अक्षित के पास, वो आगे खड़ा हुआ है, हमारा वेट कर रहा है, हमें काफ़ी टाइम लग गया, वाटर शो भी था अक्षरधाम में और अभी हम जा रहे हैं उससे मिलने, हालांकि उसे नहीं पता कि मैं अभी आ रहा हूँ। अभी देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होगा कैसा नहीं। चलिए अक्षित आ चुका है, आगे खड़ा हुआ है गाड़ी में, अभी उसको पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ, तो चलिए उसको सरप्राइज करते हैं अभी। गाइस ये रहा अक्षित और ये देखिए ये है हमारा भाई अक्षित, ये आप देख इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है गाइस मुझे देख के। चलिए अभी अंदर चलते हैं।